अभी जैसा मैंने डीसी मशीन पे, जैसे ही मैंने डीसी मशीन पे लगाया, लगाने के बाद मैंने पावर बटन की उसकी दबाया, पावर बटन दबाया या ट्यूजर से शॉर्ट किया मदरबोर्ड, तो लो बूट आ रही है। लो बूट का मतलब जैसे कि अपने जो ओके बूट होता है उसका iPhone 6, 7, वो मैंने आपको लिस्ट दिया, वो तो आपको पता है, तो वन क्लिक में जो पहुंचना चाहिए उससे कम हो रहा है, तो वो हमारा लो बूट कह रहा है। जैसे कि मान के चलो ये अपना iPhone 6 जो है 85 to 95 है, अगर 20 पे 25 पे 50 पे हमारा वहाँ से बूट उठा रहा है तो हमारा वो लो बूट में आएगा, हाई बूट में नहीं आएगा। हाई बूट का बाद में कभी बताएंगे। लो बूट का जैसे कि 6S हो गया, 7 हो गया, XS हो गया, अलग अलग मॉडल है ना, तो ये अलग अलग मॉडल की जो ओके बूट लिखाया गया है उससे नीचे आया, ऊपर नहीं, उससे नीचे आया तो वो लो बूट में आएगा। तो लो बूट में आया तो हम क्या क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो CPU और पावर IC का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, CPU और पावर IC का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या फिर तुम्हारे पावर IC के बक कॉइल वो लूज हो सकते हैं। आप CPU को रिवॉल्व करो, पावर IC को रिवॉल्व करो, ट्रैक वगैरह जो 8 लेयर के 6 लेयर के हमारे मदरबोर्ड के ट्रैक है वो डैमेज हो सकते हैं, तो वो चेक करना पड़ेगा। और उसके अलावा मदरबोर्ड इसके रैप में भी रखना पड़ेगा, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ जाए। और ज़्यादातर जो ड्रॉप अपना ड्रॉप होता है ना मोबाइल, तभी लो बूट में ज़्यादा एरर आता है, तो 8 लेयर या 6 लेयर का जो इंटरनली डैमेज हो जाता है ड्रॉप होने से, वो लेयर को हमको देखना पड़ता है। जलेबी का हम मेथड बताएंगे फिर कभी। तो CPU का एरिया और पावर IC का एरिया हमको वो देखना है अच्छे से। हो सकता है पावर IC ख़राब ना हो, उसके आसपास के आउटपुट ख़राब हो, तो वो सब हमको चेक करना है। रिवॉल्विंग का प्रोसेस होता है, बक कॉइल वगैरह चेक करना है, ग्लू काटने के टाइम जो है हमारा बक कॉइल वगैरह तो थोड़ा देखना है, सेफ्टी से रिमूव करना जो ग्लू वाली रहती है IC, ठीक है।